छात्र संगठन एनएसयूआई ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की मुख्य मांगों को लेकर महाविद्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, साथ ही छात्र छात्राओं की 2 साल की छात्रवृत्ति भी रोकी हुई है। एनएसयूआई ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम की समझाइश के बाद ये प्रदर्शन रुका। एनएसयूआई अध्यक्ष कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि शासकीय महाविद्यालय अमर पाटन में विद्यार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। 2 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिल रही है। यहाँ ना पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, ना ही बाथरूम है और ना ही शौचालय है। कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि यहाँ पर कई ऐसी निजी कॉलेज हैं जो छात्रों को फर्जी डिग्री दे रहे हैं, उनकी डिग्री कोई काम नहीं आ रही है। महाविद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष और महाविद्यालय प्राचार्य दोनों मिलकर महाविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पर कई घोटाले हुए हैं। एनएसयूआई ने एसडीएम आरती यादव को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शासकीय महाविद्यालय अमर पाटन लगातार अपनी गतिविधियों से जो सही कार्य करना चाहिए गलत कार्य में विलिप्त होती जा रही है। महाविद्यालय के अंदर छात्रों को छात्रवृत्ति मिलना मुश्किल हो गया है। बीजेपी सरकार, जो शिवराज सरकार, जो मुख्यमंत्री अपनी महिमा मंडली विरोपित करते हैं छात्र हितों के लिए, रोज नए नए प्रोटोकॉल के तहत नई नई योजनाएं लाते हैं। 2 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दिलाई गई। सबसे बड़ी चीज छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कुछ छात्र ऐसे हैं जो गरीब क्षेत्र से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनको पढ़ने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ छात्रों के शौचालय के लिए वॉशरूम की उचित व्यवस्था नहीं है। सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से नहीं लगे हैं। पानी पीने के लिए जो स्वच्छ जल की जरूरत, बरसात के मौसम में जब हर एक बच्चा, हर एक जनमानस बीमार होता है, उसके बाद भी एक गंदे नाले से जो टैंक भरा हुआ उसके पानी को बच्चों को पिलाया जा रहा है। अमर पाटन शहर में 7-8 ऐसे प्राइवेट कॉलेज बने हुए हैं जो मोटी रकम लेके छात्रों को डिग्री देने का कार्य कर रहे हैं और वो डिग्री फर्जी साबित हो रही है। वहीं एसडीएम आरती यादव ने कहा कि छात्र संगठन एनएसयूआई की मांगों को पूरा किया जाएगा। एसडीएम की समझाइश के बाद ये प्रदर्शन समाप्त हुआ। देखिए, एनएसयूआई ने एक ज्ञापन हमें प्रस्तुत किया है जो यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ है। कुल 7 मांगे हैं इनकी, और ये जो मांगे हैं इसमें अनियमितताओं को लेकर कहा गया है, छात्रों के प्रवेश के संबंध में बातें कही गई है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो छात्रों के साथ धोखाधड़ी की बातें भी कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इन पे सभी पे जांच किया जाएगा और जो भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी वो करवाया जाएगा।